नमस्कार, आइए आपको मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते हैं, जहां पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ला की ट्वीट के बाद अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में फंसे मजदूरों को भेजा रीवा। आपको बताते चले कि स्पेशल बस में सवार होकर पहुंचे 44 यात्री और जिला अस्पताल में हुई उनकी स्क्रीनिंग। आपको बताते चले कि विधायक के द्वारा अभिनेता सोनू सूद को सौंपी गई थी 168 मजदूरों की सूची तथा अन्य बसें भी जल्द आएंगी रीवा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। यहाँ कहाँ के निवासी हैं आप? यहाँ कहाँ कहाँ रहते थे आप? जहाँ से आए हैं क्या काम करते थे वहाँ पे? किस तरह की समस्या आ रही थी वहाँ रहने खाने में आप लोगों को? जाना कहाँ आप लोगों को? रीवा कहाँ से? किसके द्वारा वहाँ से आए हैं आप? आपका राजन कुमार। मुंबई महाराष्ट्र में कहाँ रहते थे आप? महाराष्ट्र में सवाई आई। क्या काम करते थे वहाँ पे? वाटर शूट का। किस तरह की समस्या आ रही थी वहाँ रहने खाने में? वहाँ रहने खाने की समस्या हर एक आदमी सही आदमी है। तो किसके द्वारा वहाँ से यहाँ तक आए? किसके माध्यम से? बस। बस रहने व्यवस्था थी बस में आए हैं महाराष्ट्र से, तो कहाँ से आए हैं, कुल कितनी संख्या में, क्या चीज़ें अभी तक व्यवस्था कराई है? ये बम्बई से आए हैं और 44 संख्या की अभी मैं गिन रहा हूँ। और ये शेखा के लोग भी हैं, कुछ सपना के लोग भी हैं और कुछ सीधी के लोग भी हैं। किसके द्वारा भेजा गया है ये? इन लोगों ने राजेंद्र शुक्ल जी से ट्वीट करके अपना दर्द बताया था कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं और सब कुछ चाह करके भी यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं। और तब क्योंकि लोग कम थे और ट्रेनों के लिए कम से कम 1200-1500 लोग चाहिए थे, यहाँ से बस जाने में बहुत समय लगता, तो राजेंद्र शुक्ल जी ने सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने राजेंद्र शुक्ल जी की रिक्वेस्ट पर इन सब लोगों को बम्बई से रीवाली पहुँचाया। अब क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ से? अभी हम सबसे पहले इनकी थर्मल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और इसके बाद इनको सबको नाश्ता करवाएंगे और बसेज आ रही हैं, बस आ रही हैं और हनुमाना रूट पर, सिमरिया रूट पर, सिरमौर रूट पर, और जो सीधी के लोग हैं उनके लिए प्रयत्न करेंगे कि उन सब लोगों को उनके घर पर आराम से पहुँचाया जाए।